हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आप देख सकते हो पीछे ना बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब है मतलब तो आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि इतना अच्छा फ्रंट फेस मिला हुआ था, है ना। हाँ, तो जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे आई थिंक उसमें एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि हाउस बिल्डिंग अगर फेल हो जाते हो, मैंने एक वीडियो बनाया उसके बारे में कि हाउस बिल्डिंग के बाद क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। अभी ये जो वीडियो है वो है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग फेल हो जाते हो तो आप क्या करना, मतलब क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वापस इंडिया चले जाओ। तो उसके बारे में। सो जैसे कि अगर आपका एग्जाम, एक फॉर एग्जांपल मेरा एग्जाम है अभी विंटर प्रूफिंग, मतलब विंटर में है, तो अगर मैं वो फेल हो जाता हूँ, अगर कोई भी बंदा है जो हाउस बिल्डिंग का जो उसका जो अबश्लूस प्रूफिंग है, मतलब लास्ट का जो एग्जाम होता है, वो अगर फेल हो जाता है तो उसको एक चांस मिलता है कि आफ्टर 6 मंथ्स वो एग्जाम दे, एक और बार ट्राई करे, और फिर वो मतलब है ना पास हो सकता है, और फिर वो भी उस जो पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो हाउस बिल्डिंग कर रहा है उसमें फिर उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उसने हाउस बिल्डिंग करी करके। लेकिन उसमें अभी दो तीन चीज़ें हैं। वो क्या है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया, जैसे कि कॉक हाउस बिल्डिंग है, कुकिंग का है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 3 में से अगर आप 2 फेल हो गए और 1 बचा, तो आपको अगर आप दोगे ना जो 6 मंथ्स बाद जो एग्जाम दोगे ना, उसमें आपको बस वही एक सब्जेक्ट देना है, सारा एग्जाम नहीं देना। जो आप फेल हो गए हो ना जो सब्जेक्ट में, उसी को आपको लिखना है दोबारा से। सो ये फॉर्मूला होता है उनका। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको बस प्रैक्टिकल देना है, जो स्ट्रिपलेशन प्रूफिंग होता है, मतलब जिसमें आपको राइट करना है, वो आपको नहीं देना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप मतलब ये होता है प्रोसेस उसका। अभी जो आगे के जो 6 मंथ्स है उसमें जो आप काम करोगे, आपको कंपनी में, मतलब आप अगर आपके होटल की हाउस बिल्डिंग है या फिर किसी कंपनी में हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको जाना ही है। सेम प्रोसेस रहता है अगले 6 महीने भी, जो आपने मतलब जो आप हाउस बिल्डिंग में करते आ रहे हो वही सेम रहेगा। आपकी जो सैलरी है वो आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है कि वो आपको एक्चुअली 3rd ईयर की जो सैलरी वही आपको मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि मतलब कोई कम कर देता है या फिर कोई बढ़ा भी सकता है। सो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो जो ने जो जो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा जुड़ गए क्योंकि आप फेल हो गए हो आप अबश्लूस प्रूफिंग, तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। लेकिन 95% आपको 3rd ईयर की जो सैलरी होती है वही मिलती है। सो ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर आपको अगर जो एक्स्ट्रा 6 मंथ्स लिए आपने और एक मतलब जो भी एक सब्जेक्ट आप फेल हो गए हो या फिर सारे सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए हो, वो आप दोगे ट्राई करोगे, अगर इसमें भी फेल हो गए तो फिर आपको और 6 मंथ्स एक्स्ट्रा जुड़ेंगे उसमें, और आपको एक चांस मिलेगा कि आप एग्ज़ाम दो। अभी उसमें अगर फेल हो गए तो आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हाउस बिल्डिंग नहीं कर सकते, आपको कुछ दूसरी हाउस बिल्डिंग करनी होगी, है ना। तो यही आपको 2 चांस मिलते हैं, और जो आप जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे उसी सब्जेक्ट का आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आई थिंक 3 या 4 मिनट का ही वीडियो है, तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई हाउस बिल्डिंग फेल हो गया तो क्या करेंगे, है ना। आपको 2 चांस हैं, अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप कर सकते हो। तो कभी कभार हो जाता है कि आप मिस कर जाते हो कोई पॉइंट्स उसमें से, या फिर उतना जो मतलब नॉलेज आपको 3 साल में नहीं आता है, तो फिर आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर फेल होने से बेहतर है कि आप एक्सटेंड कर लो वो 6 महीने, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दो, है ना, फुल प्रिपरेशन करके। और अगर फेल भी हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, और 6 मंथ बाद वही आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।